सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपको क्लास सुबह प्रोवाइड कर दी थी 9 बजे के आसपास। तो अभी मैं डेली आपको 9 से 10 बजे के आसपास वीडियो प्रोवाइड कर दिया करूँगी। तो आप बताना मुझे कि आपको वो टाइम ठीक लगा 9 10 बजे का। मैंने शाम को ही वीडियो बना दी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह इसको डाल देती हूँ 3 बजे के आसपास। तो आप सब कहीं बिजी हो सकते हैं, तो सुबह सबके पास टाइम होता ही है 9 10 बजे के आसपास, तो उस टाइम आप देख सकते हैं वीडियो। तो क्या क्या किया था हमने? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो एंशियंट हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? करके आए, रिवाइज करके आए आप सब? बताओ अब जल्दी से क्या क्या पढ़ा था हमने एंशियंट हिस्ट्री का। तो हम सोर्सेस पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री के। तो हमने कौन से सोर्सेस कर लिए थे? हमने धर्म ग्रंथ कर लिए थे, यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्ट हमने कर ली थी। और उसमें क्या क्या था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, पुराण पढ़े, और क्या पढ़े, क्या पढ़े, और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। ठीक है, अब चले नेक्स्ट। अब पढ़ते हम क्या? अब आया सेकंड सोर्स आपका, क्या आया सेकंड सोर्स? एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड सोर्स पढ़ रहे हैं हम, कि और कहाँ से हमें एंशियंट हिस्ट्री का पता चलता है। तो उनको बोलते हम क्या? हिस्टोरिकल बुक्स, या तो हिंदी में ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें मतलब इसमें और जो धर्म ग्रंथ में क्या डिफरेंस है? जो धर्म ग्रंथ होते थे ना, वो धर्म के ऊपर लिखे होते थे, रिलीजन के ऊपर। और जो ये आपकी हिस्टोरिकल बुक्स होती थी, तो ये किसी न किसी राजा के ऊपर लिखी सकते हैं, मतलब उस टाइम की जो हिस्ट्री की जो इवेंट हुई थी, तो इन बुक में वो दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोरिकल बुक्स, मतलब हिस्ट्री लिखी गई है, इसमें थोड़ी बहुत हमें यहाँ से मिल जाती है हिस्ट्री। अब देखो, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? अर्थशास्त्र। बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने, जो कि महान गुरु थे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के, है ना। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था? ट्रेन किया था, और वो पूरे मतलब सम्राट बन गए थे पूरे होल इंडिया के, और इतना ज्यादा एरिया उनके अंडर आ गया था। तो देखो, ऑथर, इसके ऑथर कौन से हैं? चाणक्य हैं, जिनका नाम आ जाता है, विष्णुगुप्त ही बोलते हैं इनको, और कौटिल्य भी बोलते हैं। तो कई बार नाम आ जाते हैं कि चाणक्य को और क्या बोलते थे, तो विष्णुगुप्त भी बोलते थे इनको, और कौटिल्य भी इनका नाम था। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो इन्होंने, देखो ये मैंने यहाँ पे अर्थशास्त्र की बुक बनाई है, तो ये किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और ये इसकी भाषा क्या है? संस्कृत में लिखी गई है। किसमें लिखी है? संस्कृत में, संस्कृत में लिखी गई है ये अर्थशास्त्र। और इससे पता क्या चलता है? मैंने बोला ना, चाणक्य क्या थे, बहुत गुरु थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उन्होंने किसको ट्रेन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा? मौर्य काल के बारे में, कि मौर्य काल कैसा था, क्या क्या था उस टाइम, ठीक है, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कैसा था उस टाइम का सोशल, जो मतलब सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? इस बुक से पता चलेगा। ठीक है, और आप लोग मुझे फीडबैक नहीं देते हो, मेरा मोटिवेशन भी डाउन कर रहे हो। अब देखो, होता ही ऐसा है, आप मेरे को मतलब मुझे फीडबैक दोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा पढ़ाने का, मेरा मन भी करेगा कि मैम पढ़ाती हूँ पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको इतना लिखा होता कि जब आपको क्लास कर दो तो डन लिख दिया करो, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब टीचर को तो मोटिवेशन मिलता ही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका क्या? दूसरी बुक क्या थी? क्या? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। और ये किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? कलहण। कौन है? कल्लण। इसके क्या है? ऑथर है, इन्होंने लिखी है बुक राजतरंगिणी। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत में लिखी हुई है बुक भी। कैसी भाषा है इसकी? संस्कृत। और इसमें, इससे क्या पता चलता है हमें? इससे कश्मीर की हिस्ट्री पता चलती है, कि कश्मीर में कैसे कैसे राजा थे, क्या क्या था, वो सारा का सारा हमें इसमें मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी में, जिसके ऑथर कौन है? कल्हण। ठीक है, और इसको किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका अष्टाध्यायी। देखो, अब मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ना फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, मुझे आपको याद ही करने पड़ेंगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, राजतरंगिणी किसने लिखी थी, और वो किसमें थी उसमें। ठीक है, इसे थोड़ा फास्ट करती हूँ उनको, है ना। अब देखो, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी आपकी? पाणिनि ने। ठीक है, किसने लिखी थी? पाणिनि ने। किस क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी बुक लिखी थी। और ये क्या था? ग्रामर था। ये क्या था? अष्टाध्यायी ग्रामर था, संस्कृत का सबसे पहला ग्रामर। क्या था? संस्कृत ग्रामर था, सबसे पहली बुक थी संस्कृत ग्रामर की ये अष्टाध्यायी। ठीक है, और इससे भी क्या पता चलता है हमें? मौर्य की जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य काल की। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है हमें किससे? अष्टाध्यायी से। और किससे मिलती है हमें मौर्य काल की जानकारी? अर्थशास्त्र से, जिसको किसने लिखा?
कलहण ने लिखा, सॉरी चाणक्य ने लिखा, ठीक है। और जिनके और नाम क्या है, एक विष्णुगुप्त भी इन्हें बोलते हैं और एक कौटिल्य भी इन्हीं को बोलते हैं। अब आया नेक्स्ट आपका क्या, फोर्थ, फोर्थ है आपका क्या, चचनामा। तो चचनामा भी क्या है, बुक है ये बुक, देखो चचनामा बुक। तो इसके ऑथर कौन है, किसने किसी तो लिखा होगा इसको। तो इसके ऑथर क्या है, अली अहमद, ठीक है। ये मुस्लिम थे तो इन्होंने लिखा था क्या ये वाला बुक, चचनामा बुक, ठीक है। तो ये क्या थे, मतलब इन्होंने क्या लिखा था इसमें, अरबों के सिंध को जीता था, मतलब अभी जो सिंध है ना वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। पर पहले ये पूरा का पूरा एक क्या अखंड भारत था। तो इसको किसने जीता था, अरब आ गए थे यहाँ पे, अरबों ने जीत लिया था, ठीक है, मतलब मुस्लिम इन्वेडर। तो उनके बारे में मिलता है हमें चचनामा में लिखा हुआ। अब देखो और ये बुक किस में लिखी गई है, फारसी भाषा में, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सियन, ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज। याद कर लोगे, बताओ कर लोगे, यहाँ जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट है आपका क्या, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, ठीक है। गार्गी संहिता ये मैंने बुक बना दी है, अब गार्गी संहिता की देखो। तो इसको भी किसने लिखा होगा, किसने किसी तो लिखा होगा। तो किसने लिखा इसको, कात्यायन ने, ठीक है, किसने लिखा है इसको, कात्यायन, ठीक है। और इससे ये क्या है, ज्योति, ठीक है, ज्योतिष की क्या है ये, मतलब एस्ट्रोलॉजी की बुक है ये, किसकी है, एस्ट्रोलॉजी की है। और इससे हमें क्या मिलता पता, जो ग्रीक आक्रमण मिलता है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक एरिया था, जैसे जो अभी जर्मनी वगैरह एरिया ना उसको ग्रीक बोलते थे पहले, तो वहां से क्या आए थे, ग्रीक आए थे, तो उनका आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। तो ऐसा किसमें लिखा हुआ मिलता है, इसमें मिलता है गार्गी संहिता में। और इसको किसने लिखा था, कात्यायन ने, ठीक है। नेक्स्ट है वो क्या, महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा था, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है महाभाष्य यहाँ पे, तो ये है बुक महाभाष्य की बुक। तो इसको भी किसने, किसी लेखक ने लिखा होगा। तो इसको किसने लिखा है, पतंजलि ने, पतंजलि को तो सभी जानते होंगे, उनके प्रोडक्ट यूज करते हो कि नहीं करते यूज, कौन कौन करता है उनके प्रोडक्ट यूज। तो पतंजलि ने लिखा था क्या, महाभाष्य। और ये किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग के क्या थे, ये पुरोहित थे, ठीक है। तो ये इस बुक से हमें क्या मिलता है, देखो इनके पुरोहित हैं पुष्यमित्र सुंग के, ये पुरोहित हैं, तो उनके ही काल के बारे में पता लगेगा, उनके ही वंश के बारे में पता लगेगा। तो इस बुक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, सुंगों की जानकारी, ठीक है, सुंग वंश की जानकारी मिलती है। आ रहा समझ नहीं आ रहा आपको, बताओ, थोड़ा फास्ट करा रही हूँ आज, मेरा मन नहीं है वैसे पढ़ाने का, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं अपना प्रॉमिस तो निभाऊंगी। बताओ जल्दी से, आ गया था समझ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या किया हमने, ऐतिहासिक ग्रंथ हम कर रहे हैं, सबसे पहला क्या है, अर्थशास्त्र, किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। उनका दूसरे नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, और क्या है, चाणक्य, ठीक है, और क्या नाम इनका, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। और उससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इस बुक में किस भाषा में लिखा गया है, इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी आपकी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी को किसने लिखा है, कौन इसके लेखक बताओ जल्दी से, कौन है, कलहण, और कलहण, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है, इन्होंने लिखा है कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन्होंने लिखी है। और ये बुक भी संस्कृत में ही है, आपकी अर्थशास्त्र भी संस्कृत में है और ये भी संस्कृत में है, राजतरंगिणी। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। और ये क्या है आपका, संस्कृत का सबसे पहला ग्रामर है, मतलब पहली बुक है संस्कृत ग्रामर के ऊपर। और इसके किसका पता चलता है हमें, मौर्य काल की जानकारी मिलती है हमें अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट है आपका क्या, चचनामा, तो चचनामा किसने लिखा था, अली अहमद ने लिखा था। और उन्होंने क्या लिखा था इसके ऊपर, जो आपके अरब थे उन्होंने सिंध को जीत लिया था, उसके बारे में लिखा था इस बुक में, है ना। और इस बुक को किस में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है पर्शियन भाषा में, यानी कि फारसी, हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता को किसने लिखा है, कात्यायन ने लिखा है। और ये कैसे बुक है, ये एस्ट्रोलॉजी की बुक है, यानी कि ज्योतिषीय विज्ञान, ठीक है, विज्ञान एस्ट्रोलॉजी।
पहले मैंने एस्ट्रोनॉमी तो नहीं बोली कहीं, कई बार फ्लो फ्लो में ना कुछ और ही निकल जाता है, मतलब बोलना कुछ और चाहते हैं हम। अब देखो, और इनमें क्या हो गया है, इसमें क्या पता चलता है हमारे को, ग्रीक की जो भारत में जो ग्रीक आक्रमण हुआ था उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने, और वो किसके पुरोहित थे, किसके पुरोहित थे, वो थे आपके पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। और क्योंकि उनके पुरोहित थे तो उनके क्या, उनके वंश का पता चलेगा इसमें, उनके वंश के बारे में लिखा होगा। तो सुंग वंश की जानकारी मिलती है हमें किस बुक से, महाभाष्य बुक से। तो ये थे आपके क्या, सारे के सारे हिस्टोरिकल बुक्स यानी कि ऐतिहासिक बुक। तो यहाँ से आपकी ऐतिहासिक बुक वाला सोर्स खत्म हो जाता है। अब उसके बाद तीसरा कौन सा सोर्स था, पहला कर लिया हमने कौन सा, रिलीजियस यानी कि धर्म ग्रंथ, दूसरा कर दिया हमने कौन सा, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ। अब तीसरा क्या आएगा, जो यहाँ पे क्या आएंगे, विदेशी आएंगे, जो फॉरनर आए होंगे, उन्होंने भी तो कुछ बुक्स लिखी होंगी इंडिया के बारे में, तो उससे हमें पता चलेगा कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी उस टाइम। तो अब क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरनर्स ट्रेवलर, ठीक है, जो विदेशी आए थे यहाँ पे उनका विवरण, उन्होंने क्या क्या लिखा है इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन आए थे आपके, देखो यहाँ पे आपके ग्रीक राइटर भी थे जिन्हें की रोमन राइटर बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक, और ग्रीक को हिंदी में यूनानी बोलते हैं। और दूसरे कौन आए थे, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज राइटर आए थे। थर्ड कौन आए थे, मुस्लिम, तो मुस्लिम का इन्वेजन भी हुआ था, तो अरबी राइटर भी थे। और उसके बाद कुछ बच गए अदर्स, तब इनको कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक मैं आपको बाद में कराती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट जो अगली अगली क्लास आएगी उसमें ये टॉपिक कराती हूँ, क्योंकि बड़ा है इसमें थोड़ा, मुझे इसमें और ग्रीक रोमन राइटर भी है, चाइनीज राइटर भी है, अरबी राइटर है, अदर्स है, उनके थोड़ा डिटेल भी बता दूंगी, तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट ही बनाती हूँ इसको। तो आज के लिए आपको छोटा सा लेक्चर है, उसको देख लेना और उसके नोट्स बना लेना, और संडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और संडे को होगी आपकी छुट्टी, और संडे को आपने क्या करना है, रिवीजन, किसका रिवीजन करना है, पूरे जो वीक में पढ़ा उसका रिवीजन करना है। और हाँ, जैसे मैं ना करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाल रही थी ना, 4-5 क्वेश्चन डेली, तो वैसे आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो में वैसे डाल दिया करूंगी डेली, या तो ये जो भी वीडियो होगी उसके पीछे डाल दिया करूंगी लास्ट में। पर अगर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में तो सब नहीं देख पाएंगे, तो या तो फिर मैं शॉर्ट अलग से बना दिया करूंगी उसके, तो वैसे चाहिए आपको कि नहीं चाहिए बता देना ना। तो अपना ध्यान रखिए, और मुझे लग रही है बहुत नींद, तो मैं बस सोने जा रही हूँ, और आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।